हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम खेल रहे हैं जेंशिन इम्पैक्ट, जो कि एक एडवेंचरस गेम है। और मैं कैसे वर्ल्ड पे हूँ जिसके बारे में मेरे कुछ पता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता ऐसा है कि मैं और मेरी बहन एक विच के साथ फाइट करते रहते हैं। तो उसमें होता ऐसा है कि जो विच है वो मेरी बहन को किडनैप कर लेती है और मेरे को इस दुनिया में भेज देती है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिलहाल अच्छा हुआ कि भाई मैं एक लड़की के साथ हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मतलब एक पता नहीं मतलब कौन है, मतलब हवा में उड़ते रहती है पता नहीं, बट उसका नाम पाईमान है, ठीक है। तो मैं उसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। और फिलहाल क्या है भाई, चेक पॉइंट में क्या है इसको देखना पड़ेगा। ओके, पहले इसको अनलॉक कर देते हैं। ओके, तो ऐसे टाइप का टेलीपोर्ट वे पॉइंट बहुत सारे होंगे, तो अपन को उसको अनलॉक करना पड़ेगा ताकि अपन एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर पाएँ। ओके ठीक है, समझ गया। ओके गाइस, तो सेकंड चेक पॉइंट बन गया है। और ये बोल क्या रहा है, फॉलो द मिनिमम टू योर डेस्टिनेशन, प्रेस एम टू ओपन द वर्ल्ड मैप। ठीक ठीक समझ गया। ओके, तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। वेट यार, ये ना स्टैमिना कम हो रहा है। अब धीरे धीरे चलते हैं, वैसे भी पहुँच गए अपन, और पाईमान तो पहले से यहाँ पर पहुँच गई है। और यहाँ से अपन को क्लाइम करना है। ओके ओके गाइस, चढ़ते हैं ऊपर। और भाई तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को लग रहा था बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल अपन पहुंच गए हैं। और यहाँ का व्यू ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई वाटरफॉल भी है साइड में, ठीक है। और वैसे अपना वे पॉइंट कहाँ पर है यार, वे पॉइंट या चेक पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, जो भी है कॉमेंट बता देना। और फिलहाल तो मैं स्टैमिना बढ़ा देता हूँ क्योंकि बहुत कम हो गया था। ओके, तो सामने में अपना वे पॉइंट, और सीधा चलते हैं वहाँ पर। वेट वेट, ये क्या था भाई, मतलब कुछ रेयर प्लांट है। एक मिनट, क्या है, मिंट, इसको रख लेते हैं, क्या पता आगे चले कुछ काम आ जाए। Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. Okay guys, तो अपन करना क्या है कि अपन को सामने में जो स्टैचू वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद अपन को एक विंड पावर मिलेगा। और ये विंड पावर भाई बहुत काम आएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी डेंजरस सिचुएशन में तब काम आ जाए, तो पावर कलेक्ट करना भाई जरूरी है, ठीक है। और आगे चल के मेरे को लगता है कि हमें और भी पावर मिलेंगे, तो सबसे पहले इस पावर को कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पर स्विम करना है। वैसे एक चीज़ देखा जाए तो पानी कितना साफ है, मतलब अंदर का पूरा चीज़ दिख रहा है। और ये अपन पहुँच गए अपने वे पॉइंट पे। Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Uh-huh, it's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of Animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign.
चलो गाइस इसका चेक करते हैं पावर को। ओ भाई साहब क्या ही मतलब खतरे स्किल है यार। ओके दो और आ गए, इनको भी निपटाना पड़ेगा। चलो दूसरी बार ट्राई करके देखते हैं। ओ भाई साहब मतलब ये जो फ्लेम है ना इसकी वजह से ना असर ही नहीं हुआ। जान को शॉर्ट से ही मारना पड़ेगा। एक मिनट इन लोग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी साइड। आ जा भाई आ जा, मार ले मार ले। अरे भाई बचाओ यार, मतलब हद होता है। ओके हो गया, पावर फिक्स आ गया। वेट इनको इनके ऊपर असर काहे नहीं हो रहा है भाई। भगना पड़ेगा यार मेरे यहाँ से। तो इसको तो भाई मारूंगा। एक मिनट रुको रुको, शॉर्ट लेने दो। अरे तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। आ जा तू भी, आ जा तू भी यार साले। हद होता है यार। ओके आ गया आ गया, विंड पावर आ गया ओरिजिनल वाला। अब ट्राई कर लेते हैं क्या है विंड टोर्नेडो। These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? ओके तो चलते हैं भाई यहाँ से अपन सीधा वे पॉइंट के साइड। ओके चलो सीधे चलते हैं। ओके तो अपना जो वे पॉइंट है वो सिटी के साइड है। अच्छा रहेगा, मतलब पास पड़ेगा अपने को भी। मतलब यहाँ से मतलब जो भी टास्क रहेगा वो कंप्लीट करेंगे और सीधा निकल जाएंगे अपन सिटी के साइड। ठीक है, और वैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ तबेला वबेला है भाई। What the fuck, man? ओ भाई सब गाड़ियाँ। उससे पहले तो इनको मार लेते हैं, फिर जाएंगे ड्रैगन के साइड। ओके तो ये भाई साहब के क्या खुल गया यार। वेट तो तेरी दौड़ना भगना पड़ेगा यहाँ से। इन लोग के पास चाहे कुछ ज़्यादा ही स्टैमिना है। वेट यहाँ चढ़ता हूँ, अब मजा आएगा। आ जाओ भैया आ जाओ, सबको मिलेगा बराबर मिलेगा। ओ भाई साहब मैं जा रहा भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ भाई। इन लोग को ज़्यादा ही डरावने लग रहे हैं, लड़ने का मन भी नहीं कर रहे हैं। ओ तेरी भाई इतना पीछे मांग रही तो ऐसी की तो रुक गया। अब तो मारूँगा सबको, मारूँगा सब चुन चुन के मारूँगा। ओके तो कितने बचे हैं। वेट 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 भाई, दो लोग और आ रहे हैं और इतना विंड पावर भाई ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। अरे यार ये कहाँ से आ गया, इसकी तो ऐसी की तैसी। वैसे देखा जाए तो इसकी स्टैमिना कुछ ज़्यादा ही है, मतलब पिछली बार जब फाइट किया था तो तुरंत मर गया था। तो इसको ज़्यादा मारना पड़ेगा। एक और शॉट फिर खत्म। आ गया स्वाद। ओके तो अपना वे पॉइंट किधर है। ओके तो वे पॉइंट के साइड जाने से पहले एक काम कर लेता हूँ, जो चमकदार चीज़ें है क्या चीज़ें। ओके यहाँ पर एप्पल पड़ा, इनको ले लेता हूँ। ओके ये है भाई चेस्ट है यहाँ पर, इसको ले लेता हूँ। उसके अंदर क्या चीज़ है। Is this an answer from this world? मिल जाए तो मज़े ही आ जाए। एक मिनट फिलहाल तो अपने को मीट मिल गया, आगे चल के काम आएगा। ओके तो अब यहाँ से चलते हैं, और मैं इधर जाना भूल गया था। वेट उस सामने में जो है ना घर, उसके अंदर कुछ हो सकता है अच्छा खासा चीज़। फिलहाल यहाँ पर भी तबेले वाले लोग हैं यहाँ, इनको पहले मारना पड़ेगा। ओके लेट्स गो, हैं काम ही नहीं किया। फिलहाल इन लोग को अटैक करना पड़ेगा अपने साइड। ओ भाई साहब ये रेड कलर का ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। पगला गया भाई ये तो बोलो। इन लोग का ठीक है भाई, जो रेड कलर का है ना वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है मेरे को ये वाला। तेरी तो ऐसी कैसे निकल यहाँ से। फिलहाल तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं, खासकर रेड वाला। ओ ओ ओ ओ भाई साहब मेरे को तेरी ऐसी कैसे निकल साले। कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, रेड वाला को ज़्यादा दिखा रहा था ये। अब भाग रहे इन लोग। मेरे को लग रहा है घर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इन लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोग को मारना पड़ेगा साले, निकलो यहाँ से। अरे भाई इन लोग के स्टैमिना कैसे बढ़ गया, अभी जस्ट कम किया था मैंने। अब तो मारता हूँ, वैसे भाई विंड पावर तो काम कर नहीं रहा है। विंड तोड़ने तो अभी तो लगेगा टाइम। ओके तो ये ख़त्म होने वाला है। ओके ख़त्म हो गया, अब सीधा चलते हैं अंदर, कुछ रेयर आइटम मिलेगा मेरे पास मेरे को लग रहा है। ओके तो यहाँ पर एक चेस्ट है, और मेरे को लग रहा है भाई इसमें ना कुछ रेयर आइटम मिलेगा। A reward on the road. ओके यहाँ पर ठीक ही ठाक चीज़ है, बट मेरे को पता नहीं कैसे यूज़ करना है इन लोग का। ओके गाइस यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इन लोग से फाइट करते वक्त मैं भूल गया था कि मेरे को अपने वे पॉइंट की साइड भी जाना है। तो लेट्स गो। ओके तो यहाँ से अपने को क्लाइम करना पड़ेगा ऊपर,
वेट थोड़ा सा रुको। ओ वेट वेट, यहाँ पर जंगली सुअर है। देखो गाइस, शिकार करना है तो शिकारी बनना पड़ता है, और शिकारी बनना है तो मुझसे सीखो, ठीक है? अब देखो कैसे शिकार करता हूँ मैं। सबसे पहले धीरे धीरे जाओ उसके पास। भाई काम ही नहीं कर रहा यार विंड वाला। वेट, अब तलवार से मारता हूँ। ओ भाई हेलो हेलो, ए यार इसको मारना पड़ेगा मेरे को। वेट, तेरी तो ऐसी तैसी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? Close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. वैसे उस रेड वाले को देखा जाए तो लग रहा है कुछ रेयर क्रिस्टल है, जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, क्या पता आगे चले कुछ काम आ जाए। Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. ओके गाइस, तो हमने कलेक्ट कर लिया रेड क्रिस्टल। मुझे पता नहीं ड्रैगन इसके ऊपर क्यों बैठा था, क्या पता ड्रैगन के पेट से निकला या फिर पिछवाड़े से, मुझे पता नहीं। बट अपन सीधा चलते हैं व्यू पॉइंट के साइड। तो वैसे भी मुझे अब सिटी के साइड जाना है,